जो लोग राजनीति में अपने परिवार में ही केंद्रित होंगे, जिनका कोई अनुभव नहीं है, जिनको कोई जानकारी नहीं है, आप सीधे उसको किसी पद पर रख देते, एक समय आएगा कि फिर कोई भविष्य नहीं रहेगा। नमस्कार, मैं नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज परिवारवाद पर एक बड़ा हमला बोला है। आपको बता दें, बीते दिनों देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार को एक बड़ा समाजवादी नेता बताया था, जिसके बाद एक तरफ जहां परिवारवाद पर हमला भी किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, वहीं आज नीतीश कुमार ने भी परिवारवाद पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने साफ साफ कहा कि देखिए, जिसकी जितनी क्षमता ना हो, जिस पर सिर्फ कह सके परिवार के लोगों का ही ध्यान हो, वो ज़्यादा लंबे समय तक सफ़र नहीं कर सकते, ज़्यादा लंबे समय तक चल नहीं सकते हैं, क्योंकि जो आपके इर्द गिर्द रहते हैं, जो भागीदारी रखते हैं किसी पार्टी में, किसी दल में, उनको पद ना देकर ऐसे व्यक्ति को पद देना जो कि संघर्ष करना ना जानता हो, इन तमाम बातों का जिक्र उन्होंने किया है। नीतीश कुमार परिवारवाद पर आप जब बोल रहे थे तो साफ साफ ये झलक रहा था कि बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी RJD को ही वो निशाना बना रहे हैं, क्योंकि आपको बता दें परिवारवाद का आरोप शुरू से राष्ट्रीय जनता दल पर लगता आया है, और नीतीश कुमार भी आज इशारों में काफ़ी कुछ बोले हैं परिवारवाद पर। क्या कुछ वो कह रहे हैं, ज़रा सुनिए। और एक बात तो जान लीजिए कि जो लोग राजनीति में अपने परिवार में ही केंद्रित होंगे, तो कुछ समय की बात है, एक समय आएगा कि फिर कोई भविष्य नहीं रहेगा, ये आप अच्छी तरह जान लीजिए। और शुरू हो गया है कई जगहों से, आप जरा देख लीजिए, इसलिए उसका मतलब नहीं। मतलब है कि राजनीति में जो है, और आप पार्टी चलाते हैं तो आपके साथ जिसकी सक्रियता है, और उन लोगों के बीच में ना चयन होना चाहिए, चयन होगा परिवारवाद का। और शुरू से यही करिएगा कि जिनका कोई अनुभव नहीं है, जिनको कोई जानकारी नहीं है, आप सीधे उसको किसी पद पर रख देते और अपने पार्टी के पद पर रख देते, तो वो बात नहीं। बहुत ही सही बात उन्होंने रखी माननीय प्रधानमंत्री जी। और तो आपने नीतीश कुमार की बातों को सुना है। बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरफ जहां परिवारवाद पर आरोप लगाया था, परिवारवाद कहकर देश की कई पार्टियों को निशाना बनाया था, विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधा था, वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इस पर तनिक भी देर नहीं की है। बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी RJD, जिस पर अक्सर परिवारवाद का आरोप लगता रहा है, इशारों में काफ़ी कुछ कहा है कि जो लोग सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, जो लोग दल में जो सक्रियता से काम करते हैं, जो इर्द गिर्द रहते हैं, उनके बारे में ना सोचते हैं, और जिनकी कोई क्षमता ना हो, जिनमें कोई काबिलियत ना हो, सिर्फ उन्हें ही पद पर बिठाए रहते हैं, ये लोग परिवारवाद को आगे बढ़ा तो रहे हैं लेकिन ज़्यादा लंबे समय तक ये टिकेंगे नहीं। इशारों में नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा है परिवारवाद को लेकर, आप समझ सकते हैं। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव, बीते दिनों परिवारवाद पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टिप्पणी की थी, उसके बाद लालू प्रसाद यादव ने भी साफ साफ इशारों में कह दिया था कि जब किसी का कोई परिवार है ही नहीं तो फिर वो क्या परिवारवाद करेंगे। और आज जब नीतीश कुमार ने इशारों में काफ़ी कुछ कहा है, तो आप समझ रहे हैं इशारों के ये बयानबाजियां हैं, इसे इशारों में ही रहने दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।